विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। अयोध्या से जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे पैदल पैदल राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। सरयू के तट पर सायंकाल विश्राम करने लगे। हरी हरी घास में, वहां कोई बिस्तर तो था नहीं, सुख सुविधा भी नहीं थी। सरयू के तट पर तृण की शैया पर विश्राम करते। उसी समय विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम, जाओ सरयू जल में जाकर प्रोक्षण करके आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता, तुमको मैं अपना शिष्य बनाना चाहता। और बड़ी मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा। कितनी मधुर वाणी में कहा, बोले उस वाणी को जो सुनेगा और जो सुना होगा वही अनुभव कर सकता है। सुना कौन? बोले सुने तो राम जी और लक्ष्मण जी। और किसने सुना? बोले और वाल्मीकि जी ने सुना। बोले वाल्मीकि जी तो वहां थे नहीं। बोले भले नहीं थे लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। राम जी की लीला में जो कुछ हुआ है यथावत तुमको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। और संपूर्ण राम लीला को, रामचरित्र को, जो भूतकाल की घटना थी सब महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ी और सब संवाद सुनाई पड़े तब उन्होंने लिखा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा रामेति मधुराम वाणीं विश्वामित्रोभ्यभाषत। रामेति मधुराम वाणीं, हे राम अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्रोभ्यभाषत। विश्वामित्र जी बोले जाओ राम, ग्रहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब मत करो, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं। अब ये विलंब मत करो, मा भूत कालस्य पर्ययः, ये विलंब ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है? राम के लिए कि विश्वामित्र जी के लिए? विश्वामित्र जी कहते हैं जल्दी जाओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं, आओ विलंब मत करो। कभी कभी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम लोग भी करते हैं किसी के लिए, भाई देर मत करो, आओ जल्दी से, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा है? तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति के लिए उस विलंब में हानि की आशंका होती है कि अगर विलंब हुआ तो उसकी हानि होगी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां राम जी की कोई हानि नहीं है। अगर विलंब हुआ तो विश्वामित्र जी को लगता है मेरी हानि हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा विश्वामित्र जी का? विश्वामित्र जी चाहते हैं जितना जल्दी हो सके राम जी से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए, क्योंकि परमात्मा से संबंध जोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब हुआ तो जीव की हानि होगी, परमात्मा की हानि नहीं होगी, भगवान की कोई हानि नहीं होगी, हानि तो जीव की। राम की शरण जाए साईत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साईत और सुदिन नहीं देखना चाहिए, समय रहते जीव का भगवान से संबंध हो जाए। और जिस दिन भगवान से जीव का संबंध हो गया, बोले उसी दिन जीव के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं, 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय है विष्णु स्वामी,
वैष्णवों के चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म रुद्र श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वारस संप्रदायिन, ये चार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो श्री जी से संप्रदाय चला, लक्ष्मी जी से, ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चला, रुद्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक भगवान रुद्र हैं, और सनकादि संप्रदाय जिस संप्रदाय के प्रवर्तक सनकादिक हैं। ये चार वैष्णवों के संप्रदाय हैं वैष्णव भक्ति। इन चार संप्रदाय में जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, उस संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो श्री सूरदास जी के गुरु जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधा स्मृताः। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां जीव देह, ब्रह्म से संबंध हो गया जीव का तो उसके जितने दोष हैं सब दोष समाप्त हो गए। जैसे लोहे का संबंध पारस से हो जाए तो लोहे में जितना दोष है, मूर्छा लगा है, काला है, जो भी चीजें सब खत्म हो गई, चमक आ गई, मूर्छा खत्म हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, सब कुछ हो गया। तो ब्रह्म संबंध करणात् ब्रह्म का संबंध होने पर पंच दोष निवृत्ति ही, पांच प्रकार के जो दोष हैं उन सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है, कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक और अन्यान्य। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से जीव का ब्रह्म से संबंध हो जाए, संबंध में विलंब न हो, विलंब हुआ तो जीव की हानि होगी, हानि हमारी होगी। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं बहुत हानि हुई, हजारों वर्ष बीत गए जीवन के और प्रभु से मेरा कोई संबंध दृढ़ नहीं हुआ, अब इस संबंध को दृढ़ कर लेना चाहिए, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, हमारा इनका संबंध हो गया। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया, मां भूत कालस्य पर्ययः, राम जी को अपना शिष्य बना लिया। संत जन कहते हैं भगवान को कुछ भी बनाओ, भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, भगवान तुम्हारे सब संबंध को स्वीकार करने को तैयार है, भगवान के तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप भगवान को अपना पिता बनाना चाहते हो, भगवान तैयार है, ठीक है तुम मुझे अपना पिता बना लो। जीव ने कहा नहीं नहीं हम आपको अपना पिता नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे पिता बनेंगे। भगवान कहते ठीक है मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, तुम बनाओ। तो तुम अगर मुझे अपना चेला भी बनाना चाहते हो तो मैं चेला भी बनने को तैयार हूं। भगवान तो सब प्रकार से तैयार है, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। विश्वामित्र जी ने मंत्र दीक्षा दे दी, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की और रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातः काल भगवान को विश्वामित्र जी जगाते हैं, रात्रि में सरयू के तट पर तीनों ने जब विश्राम किया तो राम जी को नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी तो विश्वामित्र जी ने कहानियां सुनाई, जैसे बच्चे को नींद नहीं आती तो कोई कहानी वहानी सुनाओ तो नींद आ जाती, तो विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब कथा सुनाई। कौशिक सुत वचो नुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभव विभावरी च, सुखपूर्वक रात्रि बीती। कुशिक सुत वचो नुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से भगवान लालित हुए,
रात्रि में जब सोए सवेरा हो गया, विश्वामित्र जी की नींद तो खुल गई, और मुझे तो लगता है कि विश्वामित्र जी की नींद नहीं खुली। क्यों? बोले नींद तब खुलती है जब व्यक्ति सोता है। विश्वामित्र जी सोए ही नहीं, पूरी रात जगते ही रहे। क्यों? बोले केवल भगवान के गुणों का चिंतन करते रहे विश्वामित्र, कि इन्होंने मेरे लिए अपने पिता का, अपनी मां का, अपने परिवार का, अपने सुख का त्याग किया। मोहि हित पिता तजो भगवान, मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को, अपनी मां को, अपने परिवार को, उस राजमहल के राज सुख को त्यागा और मेरे साथ आए, और मेरे लिए आज तृण की सैया पर सो रहे हैं, नदी के तट पर, जहां पर मच्छर, दंश, कीट, अब खुले में तो सब कुछ, इतना जो कष्ट सहन किया इन्होंने किसके लिए? बोले मेरे लिए। यही चिंतन करते हुए विश्वास, भगवान की करुणा, कृपा, भक्त वत्सलता, इन गुणों का चिंतन करते और भगवान के इन गुणों का चिंतन ही जीव को माया के गुणों से मुक्त करने वाला है। मृदुर दयालुर, दयालु स्थिर, कितने धैर्यवान हैं, कृति कितनी कर्म निष्ठा है इनके अंदर, कृतज्ञ की यही व्याख्या मान्य है, स्वीकार्य है। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, और सगुण का मतलब जिसके अंदर सारे सद्गुण विद्यमान है। इसी बात को भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने ग्रंथ शरणागति गद्य में कहते हैं कि अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। अखिल हे अप्रत्यनीक, जो समस्त निंदित गुणों से रहित हैं और कल्याण गुणैकतान, समस्त कल्याण गुणों के जो आकर हैं, समूह हैं, सागर हैं, जो भी कह लो। तो विश्वामित्र जी पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन कर रहे थे, उनको तो नींद ही नहीं आई, ठाकुर जी सो रहे। जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब उठो। विश्वामित्र जी राम जी को जगाते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्। हे राम उठो, प्रातः कालीन संध्या वंदन कृत्य को संपन्न करो। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। जैसे मां कौशल्या अयोध्या में जगाती भगवान को, जागिए जान राय, राम जी के लिए जो पद गाया गोस्वामी जी ने, कि मां कौशल्या जगाती हैं भगवान को, लेकिन यहां तो कौशल्या जी नहीं है, यहां तो विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी ने सोचा, वहां तो कौशल्या जगाती थी, आज मुझे जगाना पड़ेगा, तो कौशल्या जी का स्मरण करते हैं विश्वामित्र जी, और कौशल्या जी का स्मरण करके मानो कहना चाहते हैं, राम कौशल्या के अंदर जो भाव है, जो मातृत्व है, वो मेरे अंदर नहीं है, मैं कौशल्या जैसा भाव प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन हे राम मुझे ही अपनी माँ कौशल्या समझ लो, और मैं तुमको जगा रहा हूं। हे राम उठो। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। राम लक्ष्मण उठे, संध्या वंदन किया और फिर गुरु जी के साथ वहां से चल पड़े। आगे जब चले तो रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में कोई तालाब दिखाई पड़े, कोई मट्टी का टीला दिखाई पड़े, कोई शिखर दिखाई पड़े,
कोई ऊंची जगह दिखाई पड़े तो राम जी दौड़ करके कभी वहां चले जाएं, कभी तालाब में घुस करके कमल फूल तोड़ने लग जाएं। ये चंचलता देख करके विश्वामित्र जी को बार बार भय लगता कि कहीं राम जी को चोट न लग जाए, कहीं कोई घटना न हो जाए, तो बार बार विश्वामित्र जी राम जी को रोकते। महाराज ऋषि संग हरषि चले दू भाई, 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 ऋषि संग हरषि चले सरनी श्रीलन चढ़ चित बन खग मृग बन रुचि राई, ऋषि संग खग मृग बन रुचि राई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर प्रेम पुलक मुनि, पुलि पुलि ले बोलाई, ऋषि संग पुलि पुलि ले बोलाई, ऋषि संग हरषि चले दू भाई, ऋषि संग हरषि चले दू भाई, हरषि चले दू, हरषि चले दू, हरषि चले दू। हर्षित होकर दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ जा रहे। पैठत सरनी सिलनी चढ़ चितवनी, कोई बड़ी शिला दिखाई पड़े तो राम जी उस शिला पर चढ़ जाएं और चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी को लगता कहीं इनका पैर फिसल गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तो मैं क्या करूंगा। तो बार बार विश्वामित्र जी राम जी को रोकते, बोले राम इधर आओ, उधर मत जाओ। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, आदर का भी भाव है सादर, क्यों बोले विश्वामित्र जी ज्ञानी है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, ज्ञान है कि ये भगवान है और भगवान के प्रति जो आदर का भाव होना चाहिए वो आदर भी है, सादर है। लेकिन विश्वामित्र जी का जो हृदय भक्ति से भरा है इस कारण से भगवान की बाल लीला को देख करके भय भी लगता है, कहीं इनको चोट न लग जाए। ये बालक सादर सभय सप्रेम और प्रेम भी है। भगवान की भक्ति में प्रेम भी हो, सम्मान भी हो और भय भी बना रहे, तीनों होना चाहिए। सादर सभय सप्रेम, अब इसकी अलग अलग व्याख्या अगर समझे तो कैसा हो, बोले सुतसो प्रीति। प्रेम कैसा हो, बोले पुत्र जैसे, जैसे पुत्र से प्रेम होता, सुतसो प्रीति और प्रतीति मित्रसो, और जैसे मित्र में प्रतीति है विश्वास है, ऐसा विश्वास भगवान में हो। और नृप ज्यों डर डरिए, और जैसे राजा से डर बना रहता, राजा राजा है, उसी तरह भगवान भगवान है। ये न भूलो कि ये भगवान नहीं, वो ये भगवान है, ये ज्ञान भी बना रहे, थोड़ा भय भी बना रहे, आदर भाव भी बना रहे, प्रीति भी बनी रहे, तब भगवान की उपासना उत्तम कोटि की होती। विश्वामित्र जी के साथ भगवान चले,
रास्ते में सरयू जी का परिचय दिया है, सरयू गंगा का जहां संगम था वो परिचय दिया, फिर ताड़का वन में प्रवेश किया। ताड़का वन में जब प्रवेश किया तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस वन में एक राक्षसी रहती जिसका नाम ताड़का है और वो कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये ताड़का क्या है? कहते आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। आसक्ति ही ताड़का है। ये आसक्ति हिंदी वाली आसक्ति नहीं, आसक्ति। और ये आसक्ति क्या है? बोले यही अविद्या है, अज्ञान है। संसार की आसक्ति ही अविद्या है और अविद्या ही अज्ञान है। और ये ताड़का और कृष्ण अवतार में ये पूतना, ये दोनों अविद्या है, आसक्ति है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये दोनों आसक्ति का रूप है और आसक्ति कहीं भी आ सकती है, समझना, आसक्ति कहीं भी आ सकती है। आप घर छोड़ करके जंगल में जाओगे वहां भी आसक्ति आ जाएगी, उसका रूप बदलेगा बस। ये बड़े बड़े महात्मा संतों के जीवन में भी ये घटनाएं होती रहती। घर छोड़ दिया, घर की आसक्ति छूट गई लेकिन वहां भी आसक्ति आ गई। बोले कौन सी? बोले मठ की आसक्ति, मेरा मठ, ये भी मठ मेरा हो जाए, ये भी मठ मेरा हो जाए। घर की आसक्ति छूटी, मठ की आसक्ति हो गई। समाज में लोकैषणा की आसक्ति थी, समाज में लोग हमको अच्छा कहें, श्रेष्ठ कहें, उस समाज की आसक्ति को छोड़ करके आए तो इस समाज में आने के बाद भी वो आसक्ति आ गई, लोग मुझको श्रेष्ठ कहें। वहां रह करके आसक्ति पुत्र परिवार में थी, यहां आकर के शिष्य में हो गई, प्रशिष्य में हो गई, ये मेरा चेला, ये मेरा चेला, चेले की लड़ाई शुरू हो गई। अभी तक बेटे परिवार के लिए लड़ाई लड़ते थे, अब चेलों के लिए लड़ाई हो रही है, मेरा चेला, ये मेरा चेला, मेरा चेला दूसरे गुरु के पास न जाने पावे। हाँ, कहीं वो हमारे चेले को बहका न दें, यह भी लड़ाई होती है। ये बड़ी विडंबना है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है और आसक्ति, आसक्ति तो राम जी ही समाप्त कर सकते हैं। उस ताड़का को किसने मारा? बोले राम जी ने मारा, विश्वामित्र जी नहीं मार पाए। विश्वामित्र जी ने नहीं मारा, राम जी ने मारा। बहुत बड़े विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी बन जाओ लेकिन जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक आसक्ति नष्ट नहीं होगी। कृपा तो राम की होगी तब आसक्ति छूटेगी। विश्वामित्र जी ने कहा वो ताड़का कहीं से भी आ सकती है, किधर से भी आ सकती है। राम जी ने कहा जिधर से भी आएगी मैं मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम उस पर दया मत करना, स्त्री समझ करके दया मत करना, नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। ये स्त्री समझने का मतलब, बोले वो अबला है। आसक्ति को हम समझते हैं कि ये आसक्ति है लेकिन कभी कभी उसको हम, उस आसक्ति को कर्तव्य का चोला उड़ा देते हैं कि अरे ये तो कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सामाजिक मान्यताओं का चोला उड़ा करके उस अपने आसक्ति को ही हम पुष्ट करने लगते हैं। इससे भी बचने की आवश्यकता, अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा, ये परंपराएं कैसे चलेंगी, ये सब कह करके हम उस अपनी आसक्ति के दुर्बलता का ख्यापन करते। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या, स्त्री समझ करके इस पे दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा मार दूंगा। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम ताड़का को मार देना। कई बार विश्वामित्र जी ने कहा, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का को मार देना,
राम जी ने कहा अच्छा। राम जी ने सोचा जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं, लेकिन ताड़का आवे तब मैं मारूं। ताड़का नहीं आ रही है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ताड़का कभी भी उस जंगल में आ जाती थी, आती थी, लोगों को खा जाती थी, लेकिन आज अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम उसे मार देना, दया मत करना। राम जी इधर उधर देख रहे हैं, वो आवे तो नहीं आए। क्यों? बोले आसक्ति जीव के पास आती है, ब्रह्म के पास नहीं आती। राम जी के पास वो नहीं आई अपने से। आसक्ति जीव को होती है, ब्रह्म को नहीं होती। ब्रह्म के पास आसक्ति कहां आवे, अविद्या कहां से आवे? तब बोले तो लीला करने के लिए भगवान आसक्ति का मानो स्वयं आवाहन करते आओ। जैसे अभिनय करने वाला व्यक्ति राजा बने तो फिर वो राजा नहीं होता, वो तो अभिनय कर रहा। तो भगवान ने स्वयं ताड़का को मानो बुलाया, वो स्वयं से आ नहीं सकती थी भगवान के सामने, इसीलिए अभी तक आई भी नहीं। तब राम जी ने अपने धनुष की टंकार की, एव मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टि मरिन्दमः। धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने खींचा और खींच करके जब डोरी छोड़ी तो ऐसी टंकार हुई कि उस टंकार से ताड़का जग गई, सो रही थी। उसकी निद्रा भंग हो गई और वो दौड़ पड़ी राम जी की ओर आई गर्जना करती हुई। विश्वामित्र जी ने कहा राम ताड़का को मार देना। राम जी मारने चले, ताड़का के भयंकर रूप को देखकर विश्वामित्र जी को लगा कहीं ये राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। तो विश्वामित्र जी ने ताड़का को हुंकार करके रोक दिया। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्स्यताम्। हुंकार किया, ताड़का वहीं रुक गई। जब ताड़का रुक गई तो स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। राम लक्ष्मण के मस्तक पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी ने कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे राम लक्ष्मण तुम्हारा मंगल हो। जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो, विजय हो। जब विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया तब राम जी ने कहा अब मैं ताड़का को मार देता। अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब ताड़का को मारने में कोई दिक्कत नहीं। और भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। दीन जान ते निज पद दीना, दीन जान ते निज पद दीना, दीन जान ते निज पद दीना। भगवान ने ताड़का का वध कर दिया। फिर विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के अपने आश्रम में आए। आश्रम में पहुंचते ही भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव। हे मुनिवर आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ले लें और आपका यज्ञ प्रारंभ हो। विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ की दीक्षा ली। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लग गए। होम करण लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। 6 दिन 6 रात्रि तक दोनों भाई जगते रहे, अनिद्रम षड अहोरात्रम। और तब मारीच सुबाहु जब आए तो मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा, मारीच 100 योजन दूर जाकर के गिरा। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। अन्य असुरों को लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है।
और फिर कुछ दिन भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिन भगवान वहां रहे और उसी समय